दोस्तों, स्वागत है आपका करियर का उज्ज्वल शुभांकर पर। दोस्तों, जैसे कि हम लोग हर एक करियर पर बात करते हैं, आज बारी आई है कि हम आंकड़ों की चर्चा पर बात करें। जब हम आंकड़ों की चर्चा की बात करते हैं तो दिमाग में आती है डेटा, डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, बात कोई भी हो, बात कोविड की मोर्टैलिटी रेट निकालने की हो, भारत की जनसंख्या में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है उसकी हो, हमारा जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हो, हम किसी भी बात में बात करते हैं, इलेक्शन से लेके एक नॉर्मल एजुकेशन तक स्टैटिस्टिक्स की बात जरूर आती है, डेटा की बात जरूर आती है, क्योंकि इन्हीं डेटा को मद्देनजर हम आगे की जो उसके ऊपर जो शिक्षा होती है, आगे की जो स्टडी होती है, हम उसके ऊपर कर पाते हैं। दोस्तों, ये डेटा, ये केस स्टडी, ये तय करती हैं कि किसी भी डेवलपमेंट को, किसी भी विषय के डेवलपमेंट को कैसा होना चाहिए, उसको किस बेसिस पर, किस आधार पर उसकी धीमे धीमे उसका जो है उसका डेवलपमेंट, उस डेटा के अनुसार हम लोग किस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट को और ज़्यादा हम एनालिटिक कैसे बना सकें। तो दोस्तों, आइए आज डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स पर बात करते हैं प्रोफेसर राजीव पांडे जी से। जी हाँ, प्रोफेसर राजीव पांडे जो कि फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स के लखनऊ यूनिवर्सिटी के, और इस समय डीन रिसर्च हैं। इनसे अच्छा शायद ही कोई समझा पाए कि आखिर ये जो डेटा कलेक्शन होता है, ये स्टैटिस्टिक्स की जो स्टडी होती है, ये होती क्यों है। तो चलिए बात करते हैं प्रोफेसर राजीव पांडे जी से। प्रोफेसर राजीव पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका करियर का उज्ज्वल शुभांकर के इस प्लेटफॉर्म पर, प्राइम टीवी के इस स्टूडियो में। सर, डेटा एनालिसिस, सबसे पहले तो मैं इसी से चर्चा शुरू करता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टैटिस्टिक्स पर भी बात करेंगे। क्या है डेटा एनालिटिक्स, ये स्टडी है किस चीज की? ये डेटा एनालिसिस इधर लास्ट 20 डिकेड्स के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब ऑल ओवर द ग्लोब, राइट, जो है कि कहते हैं डेटा एनालिसिस हो रही है। और जो अभी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो डेफिनेशन दी जा रही है, यदि आप अपने बचपन में, यदि आपने हाई स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी या गणित विषय पढ़ाया गया होगा, तो ये कहा जाता है कि सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा को हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते थे। अब लेकिन डेफिनेशन जो है वो हम लोगों ने चेंज कर दी है जब से कंप्यूटर 1986 से आया, और वो डेफिनेशन है, इट इज ए साइंस ऑफ गेटिंग इनफॉर्मड डिसीजन, राइट, वी साइंस ऑफ मेकिंग इनफॉर्मड डिसीजन, साइंस ऑफ मेकिंग इनफॉर्मड डिसीजन, वी एक्चुअली टॉर्चर डेटा। अच्छा, और टॉर्चर डेटा, एंड I can say that we play with data. Right. So there is a difference between a mathematical approach and a statistical approach. Most of the जो present world scenario के अंदर आप देखें तो data analyst बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलता है कि आंकड़ों के analysis का। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, मैं जो focus करता हूँ as a statistician या behind the curtain, जितने भी कंप्यूटर्स के आपके सॉफ्टवेयर हैं जिससे एनालिसिस हो रही है, या पूरे बिग डेटा एनालिसिस हो रही है, या वॉट एवर, जितना भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा डेटा आंकड़ों का एनालिसिस तो कर ले रहे हैं, लेकिन वो एनालिसिस प्रॉपर तरीके से सही रिजल्ट दे पा रही है कि नहीं दे जा रही है, उसके लिए हमें स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जी, क्योंकि बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लखनऊ में 100 लोगों का आप हाइट मेजर कर दीजिए, एनालिसिस कर दीजिए, और एनालिसिस कर रहे हैं एक कॉलम में डाल दीजिए आप, और बैंगलोर सिटी का 100 डेज का टेम्परेचर डाल दीजिए, कंप्यूटर को क्लिक करेंगे तो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंप्यूटर जो है वो आपको बता देगा देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट्स ऑफ 100 पीपल ऑफ लखनऊ सिटी
एंड टेम्परेचर बैंगलोर. नाउ माई क्वेश्चन एज ए स्टडीशियन इज दैट इज देयर एनी सिग्निफिकेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बैंगलोर सिटी विद द हाइट्स ऑफ लखनऊ स्टूडेंट. तो देयर फोर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल द डेटा एनालिस्ट की स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट क्या क्या है. जब तक कंप्यूटर का जितना भी जानने वाला साइंटिस्ट क्यों ना हो, चाहे जितनी बड़ी वो प्रोग्रामिंग कर ले, जितना बड़ा एनालिसिस कर ले, जब तक वो डेटा साइंस को नहीं पढ़ेगा. तो देयर फोर मैं हमेशा व्हेनेवर आई डिलीवर लेक्चर तो डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस के बीच में डिफरेंस जरूर बताता हूँ. डेटा साइंस का मतलब ये है कि आप स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके जब आप एनालिसिस कर रहे हैं. कंप्यूटर को मैं कहता हूँ ब्लैक बॉक्स, राइट. वो एक कचरे का डिब्बा है मैं तो कहूंगा जी, यदि आप अपने विद्यार्थियों को या समझाने के लिए कि कंप्यूटर को तो जो बटन आप दबा देंगे वो एनालिसिस करके दे देगा, लेकिन उसके पीछे जो इंफॉर्मेशन डाली गई है, इंफॉर्मेशन डाली गई है वो किस तरीके से और पॉलिसी हम किस तरीके से फ्रेम करें. आप देख रहे होंगे ऑल ओवर यूनिवर्स जितनी चाहे यूएस की पॉलिसीज हो या यूरोपियन की गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, इवन इन आवर कंट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हमारी पॉलिसीज फ्रेम कर रही हैं वो ऑब्जर्वेशंस के आधार पे है, यानी कि डेटा की एनालिसिस करके. और इसके लिए जो क्या कहते हैं, मेरा सजेशन यही है कि स्टैटिस्टिक्स के जो टूल्स हैं उसको एनालिसिस करते समय कंप्यूटर इंजीनियर्स को यूज जरूर करना चाहिए. बिल्कुल सही बात है. यदि आपको अगर नहीं होगा तो फिर इंफॉर्मेशन, तो आप प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे, आपकी पॉलिसीज रॉन्ग होंगी. और यदि आप खाली मैथमेटिकल बेस क्वेश्चंस पर या मैथमेटिकल या कंप्यूटर जेनेसिस पे करते हैं, राइट राइट. और एक मैं यहाँ पर यानी सर अगर मैं इसको अगर संक्षेप में कहूँ तो बेसिकली इसमें और कुछ नहीं, आपने जैसे कहा कि कंप्यूटर कुछ नहीं है, कचरे का डब्बा है. दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात है. इस बात को कहने का मकसद ये है कि कंप्यूटर का एग्जिस्टेंस तब तक कुछ नहीं है जब तक उसके अंदर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ना डली हो, इंफॉर्मेशन हो एज वेल एज जो कंप्यूटर को जो डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट उस रिजल्ट्स को निकाल रही है, इंटरप्रिटेशन दे रही है जी, वो डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स के जो बेसिक फॉर्मूले हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जरूर इंप्लीमेंट करें अपने सिंटेक्स बनाते समय, प्रोग्रामिंग करते समय. बिल्कुल सही बात है दोस्तों. जैसे कि कहा गया कि कंप्यूटर एक कचरे का डब्बा है, कहने का मकसद यही था डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं उनका कहना है कि देखिए उसमें जब डेटा डाली जाती है, उसमें स्टैटिस्टिक्स पड़ती है, उन इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर इस्तेमाल करता है ताकि आप तक वो एक सेलेक्टेड एक डेटा पहुंचा सके. वो कई डेटा में से कुछ डेटा को सेलेक्ट करता है, फिर आपके प्रश्न से मिला के उसको दे रहा है, तभी वो कंप्यूटर एक कंप्यूटर बन पाता है. तो इसके लिए डेटा एनालिसिस की सबसे बेसिक जो दरकार है वो डेटा एनालिसिस की है. उसको जब वो सिंटैक्स में डाल के उसको जब यूज करते हैं तब एक कंप्यूटर आपको एक रिप्लाई दे पाता है, एक रिस्पॉन्स दे पाता है, आपको जो आंसर मिलता है वो टू द पॉइंट मिल पाता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर इंटरव्यू जी कर रहा हूँ, एक लखनऊ से आप दिल्ली जा रही हैं और उस ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर जी, दिल्ली से लखनऊ लौट रही है तो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है जी. व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ योर जर्नी, राइट. आप क्या करोगे या कंप्यूटर क्या करेगा, 40 प्लस 60 बाय 2 कर देगा, एग्जैक्टली. बट द आंसर इज रॉन्ग, एग्जैक्टली. आंसर कम्स आउट टू बी 48.2 पर किलोमीटर. हियर यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन इंस्टेड ऑफ अ सिंपल अर्थमेटिक, राइट. यानी पूरा डिस्टेंस हम टोटल आने जाने का कंप्लीट डिस्टेंस कैलकुलेट करें उसके हिसाब से कैलकुलेट और फिर टोटल स्पीड को लेकर डिवाइड करें. हमारे बीएससी के या अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो तमाम डिसिप्लिन्स के छात्र हैं जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स का एवरेज वैल्यू निकालने के लिए ही प्रॉपर टूल ही नहीं यूज करते. लेकिन सर मैं यहीं पे पूछूंगा, जैसे आपने ये चीज कही तो स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन मैथमेटिक्स, इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा अप्लाइड होता है जब हम उसको एक एनालिटिकल आई मीन डेटा एनालिसिस टुवर्ड्स हम जब मैथमेटिक कंप्यूटर के फिगर्स के साथ कंप्यूटेशन के लिए करेंगे. कंप्यूटेशन के लिए यदि आप कर रही हैं तो कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है, चाहे क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस कर रहे हो या क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस कर रहे हो, इकोनॉमिक्स में कर रहे हो या
मेडिकल साइंसेज में कर रहे हो, गवर्नमेंट की रेवेन्यूज के लिए कर रहे हो, या कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, आपको सुनकर ताजुब होगा 2017 से वी स्टडीशियंस आर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू यूपी पुलिस ऑफिसर्स। और जितना ये क्राइम का सीन है, एनसीआरबी का डेटा है, बीपीआरएनडी का डेटा है, उसका एनालिसिस मैथमेटिकल फॉर्मूले से नहीं किया जा रहा है, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले से किया जा रहा है या स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है। फिस्कल पॉलिसीज जितनी है वो जो क्या कहते हैं सारी हम लोगों के स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले से ही करी जाती है। तो जब तक आप डेटा एनालिसिस या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में स्टैटिस्टिक्स का टूल्स को या स्टैटिस्टिक्स के सॉफ्टवेयर को यूज इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक करेक्ट रिस्पांस कई करेंट पॉलिसीज आप बनाने में कभी कामयाब संभव नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बात है प्रोफेसर साहब, लेकिन एक बात मैं साथी में एक चीज जानना चाहूंगा, हैविंग सेड दिस कि जो स्टैटिस्टिकल आपने ज्यादातर कहा कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो ज्यादा रिलेवेंट होता है जब इस प्रकार टूल्स पॉलिसीज करना, डेटा तो एक चीज हुई, इकट्ठा कर रहे हैं उस आंकड़ों की एनालिसिस या डेटा की एनालिसिस करने के लिए गणित ने क्या किया या मैथमेटिशियंस ने 17th सेंचुरी से लेकर आज तक डिफरेंट टूल्स बना दिए जी जी जी। और स्टैटिस्टिशियंस जो है किस सिचुएशन पर डेटा की किस तरीके का टूल कौन सा टूल यूज किया जाना है वो हमें इनबिल्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो सर मैं जानना चाहूंगा जैसे एनसीआरबी इसको लेकर चलती है, एनसीआरबी लेके चलती है तो या कैसे करके आप इसको प्रोसेस करते हैं, क्योंकि आप काफी सेशंस लेते आ रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी, तो वहां पे एक्चुअली इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है और आप उनको क्या बताने जाते हैं? जैसे सीन का क्राइम रेट है जी, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज स्टार्टेड मतलब मैं शुरू में ट्रेनिंग दे रहा था जी, या हमारा एक ग्रुप है डेटा एनालिटिक्स डिफरेंट प्रोफेसर्स ऑल ओवर इंडिया के 21 प्रोफेसर्स हैं जो यूपी पुलिस को भी और पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ये डेटा एनालिसिस करते हैं। क्राइम सिचुएशन किस स्टेट की बहुत अच्छी है या खराब है, जितनी क्राइम सिनेरियो आपका बढ़ा हुआ मिलेगा उतनी पुलिस की परफॉर्मेंस कम होगी। लेकिन क्राइम का भी तो डेफिनेशन कई तरीके से निकाली जा सकती है, मर्डर भी क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी क्राइम है। आप एज ए स्टडीशियन मुझे क्राइम रेप हो, मर्डर हो, लूट हो, डकैती हो, इन सब से कोई मतलब नहीं। आई आप क्राइम को क्राइम सिर्फ उस तरीके से आप हमें फिगर दीजिए, वी प्ले विद द डेटा आर वी टॉर्चर डेटा। बार बार एक शब्द का प्रयोग हो रहा है दोस्तों की, बार बार कह रहे हैं टॉर्चर द डेटा, मुझे यानी डेटा को लेके जितना आप खींचतान उसको नोच सके उससे जो है एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए जो फिगर सर वो देते हैं, हमको ये नहीं पता कि वो रेप का सीन है या इस स्टेट पर इतना रेप के केसेस हुए हैं, इतना लूट की हुआ है, इतना कहीं ना कहीं सर कहीं ना कहीं तो फिर तो ये एनालिसिस करके मैं आपको बता दूंगा, फिर यू पुलिस डिपार्टमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि कहां पर क्राइम ज्यादा हो रहा है, कहां पे पुलिस की वीकनेस है। सर अंडरस्टूड अंडरस्टूड, लेकिन एक बात है कि इससे जैसे आपने कहा कि आपको नहीं मतलब होता कि क्राइम किस प्रकार का है, क्राइम सीन वो फिर पुलिस का काम हो जाता है, आप सिर्फ देखते हैं कि भाई क्राइम अगर आप स्टेट वाइज अगर आपको करें तो वो क्राइम को क्राइम हिसाब से देखते हैं। अगर देखा जाए तो थ्रेट कॉल भी अगर एक आप एक होक्स कॉल कर रहे हैं वो भी एक क्राइम है, लेकिन वो क्राइम उतना बड़ा नहीं है जितना एक मर्डर एक क्राइम होगा। पर जब आप डेटा के हिसाब से देख रहे हैं तो इन दोनों क्राइम को एक छोटे और बड़े को मिला के आपने एवरेज क्राइम का ही निकाला, तो उस हिसाब से क्या ये डेटा वाकई बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल फैक्शनल हुआ कि बिल्कुल फैक्टफुल हुआ? यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा कि आप जितना फोकस कर रहे हैं वो डेटा पे कर रहे हैं। हाँ। मैं डेटा पे काम करता ही नहीं हूँ। अच्छा, आप स्टैटिस्टिक्स के स्टैटिस्टिक्स के जो टूल्स हैं उसके ऊपर आप जिस टूल से जो के कहते हैं आप यूज करेंगे। अच्छा, जैसे अभी एवरेज वाला एक एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आपने क्या किया 40 प्लस 60 बाई 2 कर दिया। हाँ, आना जाना था दो दो रूट को लिया, पर रूट के हिसाब से निकाल दिया, वो एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर आपका आ गया, बट यू यूज द मैथमेटिकल एवरेज फॉर्मूला, स्टैटिस्टिक्स का एवरेज फॉर्मूला आपने नहीं यूज किया। राइट, जैसे हम लोग जब डेटा पुलिस डिपार्टमेंट हमको देता है जी, एनसीआरबी का हो या यूपी पुलिस का डेटा हो या बीपीआरएनडी का डेटा हो या डायल 100 अब 112 हो गया है,
उनका डेटा हो, वो जो डेटा किस पर, वो फिगर्स हमको देते हैं। अब वॉट एवर टाइप ऑफ क्राइम, इंडियंस क्राइम है, जघन्य अपराध है, या मर्डर हो रहा है, या रेप हो रहा है, हमें इससे नहीं मतलब। हम आपके डेटा के अनुसार परफॉर्मेंस ऑफ पुलिस इंडिकेशन बता देंगे, या जियो स्पॉट्स बता देंगे कि ये लोकल, ये पोजी स्टेट्स में ये जगह है जहां पर की जगह कहते हैं क्राइम का सिनेरियो ज्यादा है, तो पुलिस डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली अब वो उनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वो कैसे करके वो अपना वो किस तरीके से वहां पर होता है। सर, नाउ कमिंग टू द एजुकेशन पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है वो करियर काउच का है, तो फिर मैं ये चीज जानना चाहूंगा, डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों में अगर आपको अगर कहा जाए तो अगर स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए तो आज के दिन में स्टूडेंट के लिए कौन सा अच्छा है? बिना स्टैटिस्टिक्स के डेटा एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में चले जाइए, चाहे आप हेल्थ केयर सेक्टर में चले जाइए, चाहे फिजिकल पॉलिसी में चले जाइए, चाहे इकोनॉमिक्स का डेटा हो, चाहे कॉमर्स का हो, आप यदि कहीं पर कोई चीज ऑब्जर्वेशंस कर रही हैं कि हम आप में से फेयर कौन है, या 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो वहां पर भी साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स के द्वारा हम लोग जेके कहते हैं एनालिसिस करते हैं। तो साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, अभी कोविड का जितना एनालिसिस हो रहा है वो सारा हम लोग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स पे कर रहे हैं। जी सर, ये तो बात हो गई जिसको आपने इवन देखा जाए तो स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग पर अभी तक इसी पर बात कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा और हम विषय को भी कवर करते हैं। जैसा कि आपने, मैं देख रहा हूँ कि इसमें से आपने सिमुलेशन की बात की है, आपने यहाँ पे बायेशियन बेशियन predictive modeling की बात की है। अब इसमें मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, revision of opinion in the light of new data। फिर से एक बार प्लीज रिपीट करो, revision of opinion, revision of opinion in the light of new data, in the light जैसे of new data। wow, आप okay. अभी तक मुझे नहीं मिले थे जी, तो आपको एक धारणा थी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड इन रिसर्च है, ऐसा ऐसा सर होगा या उसकी ये नॉलेज होगी। जी जी जी, आज मेरा इंटरेक्शन आपके साथ हुआ, तो जो आपकी ओपिनियन पहले थी वो रिवाइज हो जाएगी, एग्जैक्ट आइदर इन द बैड डायरेक्शन और इन द गुड डायरेक्शन, गुड डायरेक्शन ये भी हो सकता है कि अरे पता नहीं कौन स्टूडियो में आप क्या आ गए थे, पता नहीं क्या बोल के चले गए, या जो आप ये इसमें आप पूछ रहे हैं सिमुलेशन टेक्निक्स का, कि हम लोग डेटा की जैसे जैसे हमको गैदर होता जाता है हमारी ओपिनियन डिफर करती जाती है, रिवाइज हो जाती है, रिवीजन ऑफ ओपिनियन इन द लाइट ऑफ न्यू डेटा। जो आजकल मार्केटिंग स्ट्रक्चर है, मॉल्स आप देखते हैं जी, या मार्केटिंग रिसर्च का जो बिजनेस मैनेजमेंट का जितना सारा काम है, वो सारी यही स्टैटिस्टिकल टूल्स को लेकर बेसिक प्रेडिक्टिव मॉडलिंग को यूज करते हैं वो लोग। सर एक चीज बताइए, ये तो बात हुई, आपने जैसे बताया कि डेटा एनालिसिस, आपने भी हमें स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग की भी बात बताई, सर स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे जो स्टैटिस्टिक्स लेके पढ़ना चाहते हैं, उनका फ्यूचर कहाँ जाके खुलता है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहती हैं? यदि आप हायर कैडर पर जाए तो इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज हमारी, ओके, एनी ग्रेजुएट विद स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ा हुआ है वो उसमें अप्लाई करता है। एवरी ईयर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो निकालता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, एवरी ईयर आरबीआई 40 या 50 वैकेंसीज निकालती है, इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज जो है कहते हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज होती है उसी तरीके से इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज भी होती है, आईएएस की तरह आपका एसएससी बिल्कुल राइट। और आपको ताजुब होगा कि चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया वर्ल्ड पूरे देश में एक ही है, ओके, जो स्टैटिस्टिक मतलब जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है उसी तरह चीफ स्टैटिस्टिशियन हमारे यहाँ हमारे ही सीनियर थे एलुमनाई के प्रोफेसर प्रवीण श्रीवास्तव जी, डॉक्टर प्रवीण वो इस समय अभी रिटायर हुए हैं चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया से, तो मॉस्पी ओके जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वो है वो
पॉलिसी की सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें स्टडीशियंस की जरूरत पड़ती है। ज्वाइंट डायरेक्टर बनते हैं, फिर डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर होते हैं, और हर स्टेट्स में, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट पर डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की जगह होती है, जिसमें ग्रेजुएट्स जाते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स वाले। उसके बाद एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, और जहां आपका ये एक ब्लॉक लेवल पर काम होता है एग्रीकल्चर लेवल में, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की पोस्टिंग करते हैं, तो दे कैन गो देयर। और सबसे बड़ा आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में, बिना जो आप डेटा एनालिसिस की बात कर रहे थे, बिना स्टडीशियन के या बिना स्टैटिस्टिक्स के, जो के कहते हैं, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में एनालिसिस संभव नहीं है। इसलिए मैं तो आजकल तो अगर देखें तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में पाइथन प्रोग्रामिंग भी शायद पूरा पूरी बेस स्टडी बेस है। पाइथन है, अभी एक और लैंग्वेज आ गई है जूलिया, जो कि कहते हैं जो पाइथन से भी सुपर है अभी, और कॉटलिन, राइट, ये दो तीन लैंग्वेजेज हैं। तो आज मैं अपने बच्चों से ये कहना चाहूंगा जो यंग जनरेशन के हैं, यदि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जब वो इंटरमीडिएट कर रहे हैं या हाई स्कूल में सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ में स्टैटिस्टिक्स पे यदि वो फोकस करें और उनका लेंगे, तो उनके लिए बहुत बढ़िया पैकेज वाल्व है। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज में और यूएसए में जितने हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमें रोज करीब करीब फोन करते हैं। अच्छा, कि आप अपने यहाँ से स्टडी वो डेटा साइंटिस्ट को भेजिए। तो इसकी डिमांड, आपका कहना है कि इसकी डिमांड है, मार्केट में है, मार्केट में क्या बूम फैला हुआ है। ओके. और देयर आर टू कंट्रीज, फिलीपींस और इंडिया, जी, जो लोग हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रेजुएट्स स्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों, अगर आप स्टैटिस्टिक्स और डेटा लेके पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत अच्छा पीरियड आपके लिए, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये फ्यूचर आपके लिए लेके आ रहा है। और जिस प्रकार के जो समस्याएं जो आपके सामने एक के बाद एक बढ़कर आ रही है, उसका भी समाधान जब तक हम स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं लेते, तब तक उसका समाधान नहीं निकाल पाते हैं। डेटा की एनालिसिस स्टैटिस्टिकल व्यू पॉइंट से जब तक नहीं करेंगे, तब तक समाधान नहीं, तक समाधान सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो हम लोग चाहे कोविड ले लीजिए, चाहे कुछ अभी तक हम लोग व्हाटएवर टाइप ऑफ डेटा, पूरी दुनिया सर इस समय चाइना से शायद इसीलिए डेटा मांग रही है कि ताकि उसकी स्टडी प्रॉपर तरीके से हो सके। और जी, स्टैटिस्टिक्स के अंदर या जब डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, जो डेटा आपने हमको प्रोवाइड करा है या चाइना ने प्रोवाइड किया है या किसी और कंट्री ने प्रोवाइड किया, जिसके लिए हम एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल बना रहे हैं कोविड पर, आईआईटी कानपुर में, आईआईटी बॉम्बे में, इवन हमने बहुत सारे मॉडल बनाए हैं जो कि कहते हैं, उन मॉडल्स पे यदि हमको डेटा रिलायबल नहीं मिलेगा जी, तो स्टैटिस्टिशियन कैन ओनली गो, मतलब वही कर ये काम कर सकता है कि डेटा रिलायबल है या नहीं, वैलिडिटी है। एग्जैक्टली सर, अंत में एक छोटी सी बात आपसे पूछूंगा जिसके साथ ही रखूंगा, कि जो हमारे जो बच्चे जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो जो स्टैटिस्टिक्स लेके इंटरेस्टेड होना चाहते हैं या अभी मन बना रहे हैं फ्यूचर के आगे पढ़ाई करनी है, उनको आप क्या गाइडलाइन देंगे कि उनको पढ़ाई का स्ट्रक्चर किस तरीके से करना चाहिए, वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? हर कोई आईएएस नहीं बन सकता, हर कोई उसमें नहीं जा सकता, तो वो उनकी स्टडी कैसे होनी चाहिए ताकि उनको निराशा की जगह कम मिले। बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि 10th और 12th तक आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले लें, और उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन लेवल पर आ रहे हैं, अब तो एनईपी का जमाना आ गया, हिंदुस्तान के सभी यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी थी, तो कोई भी बच्चा जो है कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। तो यदि इंटरमीडिएट या 10+2 तक जो के कहते हैं उसने मैथमेटिक्स ले रखी है, तो उसके बाद ग्रेजुएशन पर जब वो आए तो स्टैटिस्टिक्स ले, कंप्यूटर ले और मैथमेटिक्स ले। तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर राजीव पांडे जी, जिनके साथ अभी तक हम लोगों ने बातचीत की, और इन्होंने आपको बताया कि एक्चुअली ये जो स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग हो गई या डेटा एनालिसिस का जो स्टडी हो गया, ये कैसा होता है। तो दोस्तों, चलते हैं शमूल के पास और प्रोग्राम के अंत में उनके प्रयास क्या कहने के लिए है, सुनते हैं, चलते हैं शमूल के पास।
हेलो दोस्तों, मैं शुभांकर और मैं शिमुल आप सबको 2023 की ढेरों बधाइयां देते हैं। समन्वय इनिशिएटिव फाउंडेशन यानी करियर का उज्ज्वल शुभांकर और चैंपियंस किड की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं नए वर्ष की। तो अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और एंजॉय करते रहिए 2023। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आज का ये एपिसोड ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स प्रोफेसर राजीव पांडे जी के साथ आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि हम हर साल देखते हैं जब हम करियर काउंसलिंग करते हैं तो ऐसे आज के डेट में बहुत स्टूडेंट्स हैं जो बहुत फोकस्ड है कि डेटा एनालिटिक्स क्या है, इसका करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो आप लोग आते हैं और इस बारे में और बात करते हैं, तो इसीलिए आप सब स्टूडेंट्स के ऊपर ये एपिसोड डेडिकेटेड था। तो मैं आज आपको एक और जो हमारे करियर काउच के एपिसोड से सेंट जेवियर स्कूल ने इनविटेशन दिया था शुभांकर जी को, तो हम उस बारे में आपको बताना चाहते हैं कि हमारे लिए एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ये अपॉर्चुनिटी था जहाँ पे सेंट जेवियर्स लखनऊ से प्रिंसिपल आरजुमैन जैदी जी ने और अरिवा जी ने हमें इनवाइट किया था ऑन ह्यूमन राइट समिट्स, जहाँ पे मोर देन 27 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और ये डिस्कशन हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के ऊपर। तो ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो ये समिट था, इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर शुभांकर जी ने चर्चा किया था। तो चलते एक सेकंड, हम आपको बताएंगे, दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये समिट ऑर्गेनाइज हुआ था ऑनलाइन।